फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और बहुत खुश होंगे। और अगर खुश नहीं भी हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके चैनल पे आ गई है एक और नई वीडियो। तो आज है थर्सडे, अभी मिड मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 11:30 हुआ है और काफ़ी प्लेजेंट वेदर था। धूप है बट काफ़ी अच्छी सी धूप है। तो मैं गोविंद को बाहर लेकर आई हूँ पार्क में, वो अभी प्ले कर रहा है और मैं थोड़ा सा बैठूंगी, धूप सेकूंगी और आप लोगों से बातें करूंगी। अब गोविंद ना इतना बड़ा हो गया है कि इस पार्क की वो सारी स्लाइड्स खुद से कर लेता है, तो पार्क लाके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिल जाता है और वो अपने आप प्ले करता रहता है, मैं उसको बस देखती रहती हूँ और उसकी एनर्जी भी डिसिपेट हो जाती है। घर जाके वो काफ़ी थक जाता है, खाना खाता है और आराम से सो जाता है। आपको पता है मेरे दिमाग में ना बहुत बार ये नेगेटिव थॉट आता है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैं मेहनत करती हूँ एक एक वीडियो को बनाने में ना, मुझे उतना पे ऑफ नहीं मिलता। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस पे 1000-1500 व्यूज ही आते हैं, दो हम लोग 14,000 की फैमिली हैं, बट मैं कभी बंद नहीं कर पाई क्योंकि जो मुझे डेली बेसिस पे इतने पॉजिटिव कॉमेंट्स, इतने पॉजिटिव ईमेल्स आते हैं ना, दैट्स वॉट कीप्स मी ऑलवेज गोइंग एंड दैट्स वॉट मोटिवेट्स मी फॉर एवरी नेक्स्ट वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से रैंडमली ये बात आपसे क्यों कर रही हूँ, इज बिकॉज जैसे ही मैं अभी घर एंटर हुई, मेरे फ़ोन में इंटरनेट आया, वापस वाईफाई कनेक्शन आया, तो मुझे एक ईमेल आया मेरे सब्सक्राइबर से और उन्होंने इतनी पॉजिटिव बात लिखी हुई थी ना, उन्हें मेरे वीडियोज से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, वो रेसिपीज सीखते हैं मेरी वीडियो से और उनको मेरे बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा लिखा है कि हमेशा मेरे ब्लॉग्स का वीडियो का वेट करते हैं। सो ऐसे ऐसे जो पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव मेल्स मुझे मिलते हैं ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि ठीक है यार, कम लोग देख रहे हैं बट जेन्युइन लोग देख रहे हैं और जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ टेक अवे है वीडियो से, तभी वो लोग बार बार आ रहे हैं चैनल पे, वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और पॉजिटिव कॉमेंट्स भी कर रहे हैं। तो दिस इज द थिंग दैट कीप्स मी ऑलवेज गोइंग। थैंक यू सो मच जो जो मुझे इतने पॉजिटिव प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, मेल्स करते हैं। तो चलो अब लंच बना लेते हैं। वैसे आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, वेजिटेबल खिचड़ी बना रही हूँ मैं, और जिसकी रेसिपी मैं एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। दाल चावल मैं सोक करके रख के गई थी और वेजीज मैंने अभी चॉप कर ली हैं और जो मिक्स्ड वेजीज का फ्रोजन पैक आता है, थोड़ी सी मिक्स वेजीज उसमें से डाल दूंगी एंड हो जाएगी खिचड़ी। तो अभी मैंने बस कुकर लगाया है खिचड़ी बनाने के लिए। तो कुकर में मैंने थोड़ा सा घी लिया है। खिचड़ी जब भी आप बनाएं तो घी में ही बनाएं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है घी में। और उसमें थोड़ा सा हींग जीरे का तड़का लगा के इसमें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर डाल दिया है और अब मैं थोड़ी सी इसमें मिक्स वेजीज ऐड कर दूंगी। तो ये मिक्स वेजीज में है पीस, कैरेट, बीन्स एंड कॉर्न है थोड़ा सा। तो बच्चों को ये सब कलरफुल चीज़ें देख के अच्छा भी लगता है और वो खा भी लेते हैं, तो इसीलिए मैंने ये डाल दिया है। और सारी सब्जियों को डाल के थोड़ा सा इसे भून लें, नमक डाल के। आप एक एक अलग अलग सब्जी को भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनीवेज हम लोग सीटी लगाएंगे तो सारी सब्जियां पक जाएंगी। तो बस मैंने सारी सब्जियों को एक साथ ही डाल के भूना है 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद ये जो चावल और दाल मैंने सोक करके रखी थी आधा घंटा पौना घंटा पहले, वो भी डाल दी है। आप अगर दाल चावल को सोक करके पानी में थोड़ी देर रख देंगे तो आपकी जो खिचड़ी है वो बहुत अच्छी रबड़ी जैसी बनेगी, स्मूथ। और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी, बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, जितना कि आपका चावल और ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरी तरीके से कवर हो जाएं पानी से। और उसके बाद मैं इसे 2 सीटी के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करूंगी। चॉकलेट इज इन वॉलमार्ट। नूडल्स इज ऑल्सो इन वॉलमार्ट। Pool is outside, just in front of our home.
तो अभी गोविंद का चल रहा है टाइम पास, जब तक खिचड़ी बन रही है वो मुझसे एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है, और मुझे भी आजकल उसके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना कि आप पूछिए मत। और बहुत अच्छा लगता है देख के कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों को पिक कर रहा है, कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है। अभी तो उसे बोलना भी नहीं आता था एक साल पहले तक, और धीरे धीरे अब वो लैंग्वेज भी पिक कर रहा है खुद ही से, क्योंकि मैं तो उसे घर में हिंदी ही सिखाती हूँ, हिंदी ही उसके साथ बोलती हूँ, बट वो ऑटोमेटिकली आजकल बाहर जाता है फ्रेंड्स के साथ खेलता है तो अपने आप इंग्लिश पिक कर रहा है। तो बस ये देखिए मेरी खिचड़ी भी बनके तैयार हो गई है, और मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि जब भी आप खिचड़ी अपने बच्चों को स्पेसिफिकली दें तो उसमें घी डाल कर दें, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रहती है बड़ों के लिए भी। तो बस ये खिचड़ी मैं गोविंद को खिलाऊंगी, और खिलाने के बाद मैंने गोविंद को सुला दिया है क्योंकि ये उसका आफ्टरनून नैप टाइम होता है, तो थोड़ा सा वो रेस्ट करेगा, तब तक थोड़ा सा आराम मुझे भी मिल जाता है, और ये टाइम मैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर लेती हूँ, या थोड़ा सा मी टाइम कहिए मैं इंजॉय कर लेती हूँ। तो आजकल मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ, बुद्धा पेंटिंग, तो मैंने सोचा चलो इसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो जब अगर गोविंद उठा हुआ हो तो ये सब काम करना कितना ज़्यादा टफ हो सकता है। ही इज़ टेरिफिक 3 और ही कैन गेट वेरी वेरी मेसी विद वाटर कलर्स एंड पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जब वो सो रहा हो आइदर अर्ली मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून में मैं ये सब काम करूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगी कि हम लेडीज़ अक्सर शादी के बाद अपने पैशंस को दबा देते हैं, बच्चों में घर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें क्या चीज़ पसंद थी, हम पहले क्या किया करते थे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी चाहे दिन में 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा ही आप निकालें, लेकिन अपने लिए ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालें, और जो चीज़ें आपको पसंद हुआ करती थी कभी उनको ज़रूर आप फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें। मैं आपको बताऊँ मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, जबकि मैं बहुत ही बुरा गाना गाती हूँ, मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता, बट मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके गाने गाना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपने पैशन को फिर से थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, फिर से थोड़ा सा उस पर काम करूँ, और जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो फिर से थोड़ा सा करना स्टार्ट करूँ। तो पेंटिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी है, गाना भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगी, आप लोगों को भी सुनाऊँगी कभी अपना गाना। आजकल मैं ये बुद्धा पेंटिंग बना रही हूँ, और मैं आजकल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ना हर रोज़ थोड़े थोड़े स्टेप्स लेती हूँ। एक दिन में पूरी एक पेंटिंग बनाना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि आप सब जानते हो एक छोटा बच्चा है, घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर। तो मैं बिट बाय बिट हर रोज़ बनाती हूँ। एक दिन सिर्फ मैंने इसे ड्रॉ किया था, एक दिन मैंने इस पर ये 3D डिज़ाइन बनाया ग्लू गन से, एक दिन मैंने इसका बस अपर पार्ट जो है पेंट किया था, आज मैंने फेस पेंट किया है, और अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं इसे पेंटिंग को कंप्लीट। मैं जब पेंटिंग ख़त्म कर रही थी ना तब अंशुल ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने सोचा कि आज चलो जिम चले जाते हैं, क्योंकि ना कुछ दिनों से मैं जिम नहीं जा पा रही थी बिल्कुल भी, 15-20 दिन से मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल ज़ीरो हो रखी थी। तो मैं चली गई जिम, और अंशुल देखो सब डिनर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो कुछ शाही पनीर की सब्ज़ी बन रही है हमारे यहाँ, और उन्होंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है, एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, ओके, वेलकम। ऐसे ना सपोर्टिव हस्बैंड होने चाहिए कि कभी कभार आपको भी थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए, और आप थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे पाओ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई मैन इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप भी अपने घर पर थोड़ा सा काम करा करिए, अपनी वाइफ को थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करा करिए। और आज हमारे घर में बनी है ये शाही मटर पनीर की सब्ज़ी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। आज मेरे हस्बैंड ने ही पूरा डिनर बनाया है, चावल बनाए हैं, रोटी बनाई है और ये सब्ज़ी बनाई है, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए वो डिनर कुक करते करते। ऑब्वियसली वो ऑफिस से आए थे और आते ही वो डिनर की प्रेपरेशन में लग गए, तो अभी मैंने बोला है कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो और मैं बस सर्व कर देती हूँ सबको डिनर। हम लोग थोड़ा सा अर्ली डिनर कर लेते हैं बाय 6:30 और 7 o'clock, और उसके बाद थोड़ा सा जाएंगे बाहर वॉक करने।
तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय।